क्योंकि सौहार्दपूर्ण वातावरण बीजेपी के राज में तो बनने से रहा, इनकी पूरी राजनीति ही ध्रुवीकरण पर टिकी है। तो गोलबंदी जिसकी राजनीति हो वो कहे कि जब सौमंजस्य हो जाएगा, जब सब अच्छा वातावरण बन जाएगा तब हम राम मंदिर बनाएंगे, तो इसका मतलब है कि ना नौ मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना सामंजस्यपूर्ण वातावरण होगा और ना राम मंदिर ये बनाएंगे। ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी कि हम इस बार जो जा रहे हैं अपने काम के आधार पर जा रहे हैं, धारा 370 की बात कर रहे हैं, समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं और राम मंदिर की बात कर रहे हैं, जबकि इन तीनों पर 5 वर्ष में इन्होंने कुछ भी कार्य नहीं किया। तो ये हाथी हैं, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं। तो बीजेपी के तमाम नेता उसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को देते हैं, बीजेपी को देते हैं। भाई ठीक है, वो किसी को कोई देना चाहता है, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन मिलेगा कैसे? आप ये बताइए कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, राम जन्मभूमि के लिए क्या किया उन्होंने, कौन से प्रयास किए, कोई गिना दीजिए। उन्होंने कोई प्रयास किया हो अगर वो गिनाया जा सकता है तो हम भी विचार करेंगे। हम एंटी मोदी नहीं है, हम एंटी मोदी नहीं है।